हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप सभी लोग लॉकडाउन के समय में अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और धीरे धीरे किन्हीं जगहों पर लॉकडाउन खुल भी रहा है, यानी कि कुछ जोन्स को ओपन भी किया जा रहा है धीरे धीरे। तो मेरा जो एरिया है पिंपरी चिंचवड़ महाराष्ट्र में, वो इस समय नॉन रेड जोन में आता है, तो थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहा हूँ मैं। तो आइए इसी लॉकडाउन के समय में हमारे लिए कुछ काम की चीज़ मेरे ख्याल में आई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी न्यूज़ का वायन नाम का एक अंग्रेज़ी टीवी चैनल है, उसमें मैंने एक न्यूज़ देखी कि दुनिया के अलग अलग जगहों पे जहाँ पर भी लॉकडाउन को शिथिल किया जा रहा है, तो जर्मनी में कुछ जगहों पर उन्होंने रेस्टोरेंट्स यानी जो खाने पीने के जो जगह हैं उन्हें खोलने की इजाज़त दी गई है। तो वहाँ पर उन्होंने उस न्यूज़ में ये बताया कि रेस्टोरेंट में आमतौर पे जैसे पेपर के ऊपर बने हुए मेन्यू कार्ड्स दिए जाते हैं कस्टमर्स को, तो इस समय में शायद इस तरह के मेन्यू कार्ड्स का इस्तेमाल कोई ना करना चाहे। तो जो रेस्टोरेंट के मालिक थे उन्होंने एक अच्छी आइडिया वहाँ पर बनाई थी। उन्होंने हर एक टेबल के ऊपर एक क्यूआर कोड रखा हुआ था, प्रिंटेड क्यूआर कोड, मेन्यू की जगह पे इस तरह का एक प्रिंटेड क्यूआर कोड का इमेज उन्होंने रखा हुआ था। तो इसका यूज़ ऐसे होता था कि कस्टमर जो है अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर क्यूआर रीडर का सॉफ्टवेयर ओपन करे। क्यूआर रीडर का सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे हम पेपाल यूज़ करते हैं या भीम ऐप यूज़ करते हैं, या जैसे व्हाट्सएप भी, अगर हम व्हाट्सएप वेब यूज़ करना चाहें तो उसमें एक क्यूआर कोड स्कैनर होता है, बिल्ट इन स्कैनर होता है। लेकिन अगर आपको किसी ऐप के अलावा कोई और क्यूआर कोड रीड करना हो तो उसके लिए क्यूआर रीडर नाम का एक ऐप आपके प्ले स्टोर में आपको मिल जाता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बहुत से दर्जनों ऐसे क्यूआर रीडर के ऐप्स उपलब्ध हैं जो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल करके उसे क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो। तो जर्मनी में प्रिंटेड क्यूआर कोड हर एक टेबल के ऊपर रखा हुआ उन्होंने रखा था, और कस्टमर जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन से वो क्यूआर कोड स्कैन करता था। तो जैसे ही स्कैन किया तो उसके मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है उस होटल का पूरा मेन्यू वहाँ पे दिख जाता था। तो उन्होंने एक ऐसी मतलब अच्छी आइडिया उन्होंने इस्तेमाल की थी, जिससे कि कस्टमर को पेपर के मेन्यू कार्ड का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो ये मुझे आइडिया बहुत अच्छी लगी और ऐसे लगा कि भारत में भी हम इस आइडिया को अपना सकते हैं। तब मेरे ख्याल में आया कि इस समय भारत में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हीं सुविधाओं का इस्तेमाल करके हम इसी तरह की चीज़ भारत में भी कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी खर्चे के। तो वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम समझ लें कि क्यूआर कोड जो होता है वो एक तरह का यूआरएल ही होता है, मतलब जैसे आपकी कोई वेबसाइट है और आपके वेबसाइट की एक यूआरएल होती है, तो जो यूआरएल आपने अगर ब्राउज़र के अंदर टाइप की तो उसका वेब पेज खुल जाता है। तो क्यूआर कोड जो है उसी यूआरएल का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि बिना उस URL को टाइप किए अगर आप QR कोड को स्कैन करोगे तो QR कोड आपके मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो ऐसा है, मतलब QR कोड जो है जब स्कैन करते हैं तो वो जिस लिंक का बना होता है उस लिंक को ओपन करता है, इतनी आसान चीज़ है। तो QR कोड सभी URLs के लिए बनाया जा सकता है। अगर आपकी अपनी कोई वेबसाइट हो, अगर पहले आपके एस्टेब्लिशमेंट के या आपके शॉप के लिए अगर कोई बनाई हुई वेबसाइट हो,
तो उस वेबसाइट का भी आप QR कोड बना के इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम ये URL से QR कोड कैसे बनता है। तो इसके लिए आपको एक कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। यहाँ पर एक बात आप नोट कीजिए कि आमतौर पे जो वीडियोस में बनाता हूँ तो वो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के लिए बनाता हूँ या स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ, लेकिन इस समय मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो एंड यूज़र के लिए है। यानी अगर आपका कोई आपकी कोई रेस्टोरेंट है या कोई शॉप है तो आप इस जानकारी का इस्तेमाल करके इसे आप डायरेक्ट यूज़ कर सको। तो इसे पूरा करने के लिए आपको एक कंप्यूटर का एक्सेस ज़रूरी है। अगर आपके पास अपना कंप्यूटर नहीं हो तो आप किसी नेट कैफ़े में जाके एक आध घंटे के लिए कंप्यूटर का यूज़ करके ये काम उसमें आसानी से पूरा कर सकते हो। तो वेबसाइट के URL से QR कोड जनरेट करने के लिए हम क्रोम एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर के ऊपर आप क्रोम का ब्राउज़र ओपन कीजिए और उसके अंदर क्रोम वेब स्टोर ओपन कीजिए और क्रोम वेब स्टोर में QR कोड जनरेटर लिख के सर्च कीजिए। तो यहाँ पर हमको तीन QR कोड जनरेटर दिखाई दे रहे हैं। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप पब्लिक कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो और आपको ये एक्सटेंशन वगैरह इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं हो, एक्सटेंशन को ऐड करने की परमिशन नहीं हो, तो आप ऑनलाइन QR कोड जनरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए गूगल ओपन करके QR कोड जनरेटर टाइप कीजिए तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वेबसाइट्स दिखाई देंगे जिसमें आप QR कोड को जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्विक QR कोड जनरेटर नाम का है जो एक्सटेंशन है उसे मैंने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल होने के बाद में ये इस तरह से क्रोम के ब्राउज़र के ये टूल बार के अंदर दिखाई देता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक इमेज हमको दिखाई देगी। अब ये यहाँ पर जो नीचे जो है हमको URL टाइप करना है। आपकी जो भी वेबसाइट हो उस वेबसाइट का यहाँ पर आप URL टाइप कीजिए। तो ये मैंने अपनी वेबसाइट का URL टाइप किया है। तो यहाँ पर जो है इस टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक इमेज बन जाती है। अगर आपके पास पहले से वेबसाइट मौजूद ना हो तो भी कोई परवाह नहीं, हम एक फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कैसे बनाते हैं। तो ये करने के लिए आपके पास सिर्फ़ एक जीमेल का अकाउंट होना ज़रूरी है। आप ईमेल इस्तेमाल करते होंगे आमतौर पे, जो हमारे एंड्रॉयड के जो मोबाइल्स होते हैं उनके इस्तेमाल के लिए लगभग सभी के पास एक जीमेल का अकाउंट होता है। तो सिर्फ़ एक जीमेल के अकाउंट की सहायता से आप ये पूरा प्रोसेस पूरा कर सकते हो। इसके अलावा किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो जो भी आपको URL डिस्प्ले करना है इस QR कोड से तो वो यहाँ पे लिखना है और ये इमेज बन गई। बनने के बाद में इस इमेज को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डाउनलोड पर तो यहाँ पे एक PNG इमेज बन जाती है। इस इमेज को आप जो चाहो नाम दे सकते हो या जो भी इसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम है वो भी रखें और इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लें। तो ये जो इमेज है ये डेस्कटॉप पे अगर सेव हो गई, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको ये इमेज दिख जाएगी। अब ये जो इमेज है आपको किसी भी प्रिंटर के शॉप में जाके जहाँ पे जेरोक्स वगैरह ये कागज़ के मतलब डिजिटल प्रिंटआउट्स निकाले जाते हैं वहाँ पर आप इस इमेज को ले जाइए USB पेन ड्राइव में या फिर अपने मोबाइल में भी इसको सेव करके इसको आप किसी भी शॉप में जाके इसका एक प्रिंटआउट ले लीजिए, एक दो जितने आप चाहो। अब ये प्रिंटआउट्स जो है आप अपने शॉप का जो भी बाहरी हिस्सा है, शॉप का दरवाज़ा है या जहाँ पर भी आप कस्टमर्स को वेलकम करते हो वहाँ पर इसको लगा दीजिए। तो कस्टमर के आने के बाद में जब भी उनको
आपका मेन्यू कार्ड देखना हो या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको कस्टमर्स को देना है, जो रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन है यानी जो बार बार आपको कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो हर एक कस्टमर को अलग से बताने के बजाय आप सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर लिख सकते हो और फिर उस वेबसाइट के लिए एक QR कोड बना के अपने काउंटर के ऊपर लगा दीजिए या दीवार के ऊपर लगा दीजिए, और जिस भी कस्टमर को मेन्यू देखना हो तो वो इसको स्कैन कर ले तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको जो भी कस्टमर को जानकारी देनी हो या मेन्यू वगैरह दिखाना हो उसके अंदर दिख जाएगा। तो ये तो हुआ जो जिनके पास पहले से ही वेबसाइट मौजूद है उनके लिए जानकारी। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो कोई परवाह नहीं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बना सकते हैं जिसके लिए आपको किसी भी तरह का ना इनिशियल एक्सपेंस है इसके अंदर ना रिकरिंग एक्सपेंस है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके पास सिर्फ एक जीमेल का अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पहले से ही जीमेल का अकाउंट है तो आप इसको इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो। तो आप ब्राउज़र में गूगल का सर्च इंजन ओपन कीजिए और इसके अंदर गूगल साइट्स टाइप कीजिए, तो यहाँ पर आपको sites.google.com नाम की एक वेबसाइट दिखेगी, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ जो है ये गूगल की फ्री साइट जनरेटर साइट है, इसके अंदर जो भी मतलब वेबसाइट बनाते हो आप तो उसमें sites.google.com /, और जो भी आप अपनी वेबसाइट को जो भी नाम दोगे उस नाम से एक वेबसाइट बनाई जाती है। तो ये गूगल के ही URL के ऊपर आपकी साइट बन जाती है, और इस समय इन्होंने काफ़ी टेम्पलेट्स बनाए हैं और बहुत से मतलब डिजिटल मेन्यूज़ हैं इसके अंदर जिससे आप जिस चाहो उस तरह की साइट्स बना सकते हो। यहाँ पे जो अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट का टेम्पलेट, यहाँ हम क्लिक करेंगे रेस्टोरेंट के ऊपर, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा टेम्पलेट बनाया है, तो इसमें आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट नेम है तो यहाँ पे सीधा ये जो आप माउस का कर्सर ले जाके यहाँ पे टाइप करना शुरू कर दो, अपने रेस्टोरेंट का नाम लिखो, तो ऐसे जो है वो बिल्कुल टेम्पलेटेड वेबसाइट है। आपको सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऐड करनी है, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और फिर रेस्टोरेंट के अलग अलग मेन्यूज़ के जो हैं इमेजेस भी दिए हैं, और इस वेबसाइट में ये मल्टी पेजेस वाली वेबसाइट है। यहाँ पे ऊपर देख सकते हो इसका जो है नेविगेशन बार है, तो इन्होंने चार पेजेस अलग से बनाए हैं। एक तो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए अलग पेज है, आपका जो शेफ़ है उसके बारे में आपको लोगों को बताना हो तो उसके लिए एक अलग पेज है, और ये मेन्यू का पेज है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जब उसका QR कोड स्कैन करते हो तो ये मेन्यू वाला पेज ओपन हो जाता है। तो ख़ास तौर पे यही जो है आपके लिए ज़रूरी पेज है। तो इन्होंने ऐसे कैटेगराइज किया है, ये एपेटाइज़र है, फिर मेन कोर्स है, तो इन्होंने कुछ पहले से ही बने बनाए पिक्चर्स दिए हैं। आप चाहो तो ये जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी आप चेंज कर सकते हो। इनको चेंज करने के लिए सिर्फ इसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए, दोबारा क्लिक कीजिए, तो दोबारा क्लिक करने के बाद ये जो ऊपर आपको जो है मेन्यू दिखाई देता है, तो इस मेन्यू में यहाँ पे क्लिक कीजिए मोर एडिटिंग ऑप्शंस और रिप्लेस इमेज। तो आपने अगर अपने होटल के जो डिशेस हैं उनके फ़ोटोज़ इसके अंदर डालने हैं तो रिप्लेस इमेज करके अपलोड कीजिए, तो अपना फ़ोटो अपलोड की करेंगे तो ये इस जगह पे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे डिश का नाम है, उसका रेट है,
तो आप इसको जितना चाहो बढ़ा सकते हो, नए नए डिशेस जितने भी डिशेस हैं ऐड कर सकते हो, उसकी कोई मतलब अपर लिमिट नहीं है। जितना भी बड़ा आप चाहो इसमें मेन्यू कार्ड बना सकते हो। और डिजिटल मेन्यू की एक अच्छी बात यह है कि इसके जो आइटम्स हैं उसका जो आइटम का जो रेट है वो आप डेली भी चेंज कर सकते हो, लेकिन प्रिंटेड मेन्यू में आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रिंटेड मेन्यू में आपकी लिमिटेशन होती है, आपको एक रेट लिखेंगे तो आप उसको डेली वहाँ पे हाथ से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटली हो तो आपके जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का रेट कम ज़्यादा हो जाता है या सब्जियों का रेट कम ज़्यादा होता है, तो वो हिसाब से आप रेट भी चेंज कर सकते हो या नए नए डिशेस भी ऐड कर सकते हो। तो डिजिटल मेन्यू का होने का ये फ़ायदा है। तो ये जो पर्टिकुलर काम है जो कंप्यूटर में थोड़ा सा जिनको थोड़ा सा काम करने की आसानी है, जिन्होंने पहले से कुछ काम किया है उनके लिए आसान होगा। तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो, अपने बच्चों की हेल्प लें, अपने दोस्तों की हेल्प लें और अपना जो मेन्यू कार्ड है बना लें। तो ये तो हुआ होटल का मेन्यू। आपका आपकी कोई भी अगर शॉप है और उसका अगर आपको रेट कार्ड बनाना है, किराना शॉप है या जनरल स्टोर है, तो वहाँ पर भी आप बिल्कुल अपने शॉप में जितने भी आइटम्स हैं उनके रेट्स आप लिख के इसकी एक लिस्ट बना सकते हो। तो ये इसका जो एडिटिंग है करने के बाद सिर्फ आपको ये पब्लिश बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है आपके लिए नाम पूछता है ये, जैसे आपकी कोई शॉप है जैसे चंदन मिठाई स्टोर है, तो यहाँ पे आपको चंदन मिठाई स्टोर लिखना है। तो ये जब पब्लिश होगा तो ऐसे बनेगा https://sites.google.com/view/ और चंदन मिठाई स्टोर। तो यहाँ पर ऐसे जिन जो भी आदमी पहले इसमें अपना नाम रजिस्टर करेगा उसका नाम उसको मिल जाएगा। तो ये है फ्री ऑफ कॉस्ट, ना आपको इसके बनाने के लिए पैसा लगता है ना इसको मेंटेन करने के लिए पैसा लगता है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल की तरफ से ये फ्री सर्विस है। और बस इतना ही है और कुछ नहीं ज़्यादा इसके अंदर। तो एक बार आपकी यूआरएल पब्लिश हो गई तो वो जो यूआरएल है आपके जो वेबसाइट की जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको किसी भी क्यूआर कोड जनरेटर के अंदर ये यहाँ पे टाइप करनी होती है। यहाँ पे टाइप करेंगे तो उसकी जो इमेज बन जाती है, फिर इस इमेज को डाउनलोड करके आप प्रिंट कर लो। अब यहाँ पे गूगल की जो साइट्स हैं उसमें जो अलग अलग टेम्पलेट्स हैं वो एक बार मैं बताता हूँ आपको। एक तो पोर्टफोलियो नाम से है, तो अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे आप कोई वकील हैं या और कोई जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हो या किसी तरह की सर्विसेज आप देते हों, तो ये आप पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। उसमें पोर्टफोलियो वाला टेम्पलेट यूज़ कीजिए तो आपका डिजिटल पोर्टफोलियो इसके अंदर बन जाएगा। तो फिर उसका क्यूआर कोड बना के अपने शॉप के ऊपर चिपका दीजिए, तो आप किसी भी कस्टमर को आपके सर्विसेज के बारे में, अपने पहले किए हुए कामों के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप इजीली डिजिटली सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इससे आपके काम में ज़्यादा आप फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। और फिर इन्होंने एक इवेंट के लिए भी एक टेम्पलेट दिया है, यानी जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं लोग उनके लिए, इवेंट के लिए भी आप एक वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हो। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो तीन टेम्पलेट्स हैं इनके अलावा भी अगर आपको, अच्छा यहाँ और कुछ हैं जैसे एक टीम के लिए इन्होंने टेम्पलेट दिया है, किसी गेम्स की टीम है तो टीम के लिए एक वेबसाइट बना सकते हो। फिर एजुकेशन में हर एक क्लास की अपनी वेबसाइट बन सकती है, या जो क्लब्स हैं तो उन क्लब्स के लिए आप एक वेबसाइट बना सकते हो। ऐसे टेम्पलेट्स हैं, वेबसाइट तो किसी तरह के बना सकते हो। तो आपको अगर टेम्पलेट कोई पसंद ना हो, किसी कैटेगरी में आप ना आते हो, तो ये ब्लैंक वाला, ब्लैंक के ऊपर क्लिक कीजिए तो ये एक ब्लैंक टेम्पलेट ही ओपन करेगा। यानी कि जैसे आपकी कोई हार्डवेयर की दुकान है और आप चाहते हो कि हार्डवेयर की शॉप में आपके जो भी मेजर आइटम्स हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पे दे दो कि कौन सी चीज़ की कितने दाम हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो आसानी से। यहाँ पे अपना शॉप का नाम लिखिए और ये राइट साइड को इसका मेन्यू है, टेक्स्ट ब्लॉक बॉक्स,
तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए टेक्स्ट बॉक्स पे, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आएगा। फिर अपनी जो भी जानकारी हो, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, मराठी में कर सकते हो, हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी आप ये सब कर सकते हो। फिर उसके बाद में इमेजेस, इमेजेस पे क्लिक कीजिए और फिर अपलोड कीजिए। तो आपका जो भी आइटम है या शॉप है तो उसकी फ़ोटो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ये आपके वेब पेज के ऊपर यहाँ आ जाएगी। इसके अलावा आपका कोई अगर वीडियो है, जैसे यूट्यूब चैनल है आपका, तो उसका वीडियो आप यहाँ पे एम्बेड भी कर सकते हो, यहाँ पे एम्बेड पे क्लिक कीजिए। तो इस तरह से बिल्कुल एक वेब पेज डिज़ाइनर दिया है इन्होंने। यहाँ पे अलग अलग लेआउट्स हैं और ये बटन है, डिवाइडर है, कैलेंडर है, मैप है, मैप भी आप इसके अंदर रख सकते हो चाहो तो। तो बिल्कुल ये फुल फ्लेज्ड वेब डिज़ाइनर है इसके अंदर। और फिर पेजेस के लिए अलग टैब है, जैसे ये हो गया होम पेज। होम पेज के बाद में आपको एक और पेज ऐड करना हो तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए, तो नया पेज आपको ऐड हो जाएगा और उसका लिंक जो है टॉप में दिखाई देगा। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से एक कमर्शियल लुकिंग वेब पेज फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो। तो आपको तो जो मैंने बनाया है ये आपको समझ में आया होगा अब तक। यहाँ पर एक मैंने गूगल साइट्स का इस्तेमाल करके एक वेबसाइट बनाई है, तो वो वेबसाइट जो है वो इसका इस तरह से ये QR कोड बन गया। और फिर उसके बाद मैंने अपने मोबाइल के ऊपर एक QR कोड रीडर इंस्टॉल किया। अब मैं ये QR कोड का जो QR रीडर जो है उसका इस्तेमाल करके मैं ये इसको रीड करता हूँ, ये इमेज जो है, यानी कि ये ऐसे ही काम करेगा। ये अगर प्रिंटेड है कागज़ के ऊपर तो प्रिंटेड के ऊपर भी हम इसको पकड़ेंगे तो वही होगा, वही दिखाई देगा। तो जैसे ही हम स्कैन करते हैं तो कुछ इस तरह से हमको ये दिखाई देता है, ये शायद आपको दिख रहा हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक तो ओपन है और एक शेयर है। तो ये जो QR कोड है, अगर कस्टमर किसी को शेयर करना चाहे, अपने दोस्त को भेजना चाहे, तो यहाँ से वो शेयर भी कर सकता है। तो वेबसाइट की लिंक जो है वहाँ पे आ जाती है। तो कस्टमर को करना इतना ही है कि सिर्फ वो ये ओपन करे यहाँ से। तो ओपन करने पर इस तरह से जो है ये आपका जो मेन्यू कार्ड है, जो होटल का मेन्यू कार्ड हमने बनाया था, इस तरह से दिखाई देता है। अब इसको स्क्रॉल करते जाइए ऐसे ऊपर, तो इस तरह से जो है बिल्कुल एक फंक्शनल मेन्यू कार्ड आपका, डिजिटल मेन्यू कार्ड इसके अंदर बन जाता है। तो आपकी कोई भी शॉप हो, अपने शॉप का जो भी रेट कार्ड है, इस तरह से आप डिजिटल रेट कार्ड बनाइए और फिर अपने शॉप में इस्तेमाल कीजिए बिना किसी खर्चे के। इसका कोई ना, इसको मेंटेन करने का कोई खर्चा है ना रिकरिंग एक्सपेंसेस है। इतना ही है कि जब भी आपको इसको बनाना है या चेंज करना है तो आपको कंप्यूटर का एक्सेस करना पड़ेगा। कंप्यूटर में आपका जो गूगल का अकाउंट है, गूगल के अकाउंट में लॉगिन करके जो गूगल साइट्स है उसमें जाके आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो एक आध घंटे का मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल ही आपको उसकी ज़रूरत होगी। तो किसी भी बिजनेस के लिए या आपका जो भी प्रोफेशन है और अपने प्रोफेशन के लिए आपको वेबसाइट बनानी हो तो आप इसे वेबसाइट भी बना सकते हो और इसका QR कोड बना के वो QR कोड आप लोगों को शेयर भी कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आप आज हम यहीं रुकते हैं। इसके बारे में आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।